हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की जानवर गाय के बारे में। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। भारत में हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गाय का दूध अमृत के बराबर होता है, इसलिए जिन बच्चों को माँ दूध नहीं पिला पाती है उन बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है। भारत में गाय की 30 नस्लें पाई जाती हैं, जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, थारपाकर आदि नस्लें भारत में दूधारू गायों की प्रमुख नस्लें हैं। गाय के दूध में 7 अमोनियो एसिड के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिससे हड्डियों का रोग नहीं होता है। भारतीय गाय के दूध में मिलने वाले प्रोटीन से हार्ट अटैक, डायबिटीज और मानसिक रोगों को ठीक किया जाता है। गाय को लाल और हरे रंग में फर्क समझ नहीं आता है। इंसानों की तरह गाय भी 9 महीने तक गर्भ अवस्था में रहती है। हर गाय पर लगे पैटर्न एक दूसरे से अलग ही होते हैं। हर गाय कम से कम अपने जीवन काल में एक बछड़े को जन्म देती है। भारत में लगभग 30 करोड़ गाय पाई जाती हैं। गाय का जीवन काल करीबन 25 साल का होता है। मिट्टी में गाय घोड़ों से भी ज्यादा तेज दौड़ सकती है। गाय से बहुत सारी धार्मिक बातें जुड़ी हैं। बहुत सारे लोग गाय को एक अच्छा शगुन मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं। गाय को सीधा नहीं दिखाई देता है, उसके लिए उसे अपना सिर घुमाना पड़ता है। गाय 2 साल की उम्र में एक बछड़े को पैदा करने के काबिल हो जाती है। गाय में बदले की भावना बहुत सालों तक रहती है। एक दिन में गाय लगभग 18 किलो भोजन खाती है। गाय की आंखें लगभग 360 डिग्री तक देख सकती हैं। लाल रंग के गाय के दूध से शरीर ताकतवर होता है और काले रंग की गाय के दूध से पेट की गैस संबंधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गाय का दिल 1 मिनट में 60-70 बार धड़कता है। एक दिन में गाय लगभग 14 बार बैठती और उठती है। गाय 8 घंटे सोती है। गाय कभी उल्टी नहीं कर सकती। गाय के केवल निचले जबड़ों में दांत होते हैं और गाय के 32 दांत होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है कि गाय के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूएसएस के नेचुरल चैनल।